जिला कोडना प्रखंड डोमचांच के अंतर्गत उत्कर्मित मध्य विद्यालय पूर्णाडी में चार दीवारी नहीं होने के कारण शौचालय बंद पड़ा था। चापाकल खराब था जिसके कारण मध्याह्न भोजन भी नहीं बन पा रही थी। मैं इस समस्या पे अप्रैल 2014 में वीडियो बनाई थी। तुम्हें क्या क्या समस्या बताओ तो सर। खेलने का सामान नहीं है, स्कूल में बाउंड्री नहीं है, कोई लकड़ी चुरा के ले जाता है, कोई कोयला चुरा के ले जाता है। कोयला वगैरह सब बाहर रहता है? नहीं, अंदर रहता है, ताला तोड़ लेता है। अभी चोरी हो गया है डेक सभी बच्चों के बर्तन चोरी हो गया, फिर नया बर्तन आया है, इसीलिए बोले कि बाउंड्री लगवाने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। चापाकल अभी बनाने बोल रहे तो देखिए अभी नदी का पानी पी रहे हैं, किसी का बच्चा का तबीयत खराब, किसी का तबीयत खराब हुआ है यहाँ पानी पीने से? किसका नहीं, सभी का हुआ है। वीडियो बनाने के बाद उस गाँव के यानी पूर्णाडी गाँव के मुखिया से बातचीत की, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बातचीत की। 6 माह के बाद वहाँ बाउंड्री बनना शुरू हुआ और आधा बाउंड्री बन गया, उसके बाद चापाकल भी बन गया। इसी बीच गांव वाले लोग इस पे विवाद किए कि बगल में स्वास्थ्य केंद्र और एक छोटे से मंदिर को लेकर, स्वास्थ्य केंद्र और मंदिर को अंदर करते हुए चार दीवारी करना पड़ेगा, और कुछ बाउंड्री हुआ था वो तोड़ दिया। इस विषय में हम फिर विद्यालय के शिक्षक से बात किए। क्यों नहीं बनाने दे रहे हम लोग? मैदान के बीच में पड़ता है, किनारे किनारे जैसे बनाइए, मंदिर को अंदर करके बनाइए। मंदिर को आगे अंदर करने बोल रहा है, बाउंड्री का अंदर? हाँ, बाहर बाहर से करने के लिए कह रहा है। मंदिर, ग्राम पंचायत भवन सभी को अंदर कर दीजिए। तो आप लोग कैसे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम है, विद्यालय सुरक्षित नहीं है। कोई आके जो सो शाम में हम लोग चल जाने वाले, यहाँ पर कोई शराब पीता है विद्यालय से, हम लोग आएंगे देखेंगे यहाँ पर बोतल जो है शराब का फोड़ा पड़ा हुआ है, पखाना किया हुआ है। किनारे से बाउंड्री होने से ठीक रहेगा, बीच में फील्ड रहेगा, खेल कूद का भी रहेगा, और बीच में बाउंड्री आने से खेल कूद का मैदान छोटा हो जाएगा, ये गांव का कहना है। और गांव का जब कहना है तो जो जनता, जिधर गार्जियन लोग स्कूल का जो बच्चे लोग को भेज रहा है, वो सबका कहना है, तो उसी राह पर हमें भी चलना है। बाउंड्री की जो समस्या बता रहे हैं आप, जिसमें फोकस आपने किया है, उसको भी मैंने पूछा था, अगर नहीं बन पा रहा है तो इसकी इंक्वायरी मिलेगी, पूछेंगे कि क्यों नहीं बन पा रहा है, अगर जिला से कोई आवंटन आ रहा है तो फिर जिला को लिखेंगे। ठीक है सर, तो ये कब तक हो जाएगा सर? अब तो फिर हम तुरंत इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, मतलब हम 15 या महीने दिन में जा करके उसको, 15 दिन के अंदर ही हम इस पर रिजल्ट चाहेंगे कि क्या क्या समस्या है। मैं यह वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि गांव वालों के विवाद के कारण यह समस्या अभी तक पूरी तरह से बदलाव नहीं हो पाया है। अतः इस वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं नम्र अपील करती हूँ कि जिला शिक्षा अधीक्षक का नंबर 9431147730 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करें। मैं विंती विश्वकर्मा, इंडिया झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।